Hi guys, welcome back to one and only your favorite channel, Daily High Dimanshu Jain channel. And what's up? I hope you all are doing absolutely fine out there. So, यार आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे खुश रहें. यार हम सबको ये सवाल होता है कि यार मैं खुश रहना चाहता हूँ. Every human being in this world wants to live happy. कोई भी इंसान हो, whether it is poor, it is rich, कोई भी आदमी हो, किसी भी सेक्शन का आदमी हो, अमीर गरीब, कोई से भी रिलीजन का हो, कोई से भी मज़हब का हो, हर कोई, हर प्राणी सुखी रहना चाहता है, हर प्राणी खुश रहना चाहता है. उसका क्या मंत्र है, क्या कैसे वो खुश रह सकता है, कैसे वो सुखी रह सकता है, आज इसी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं. तो यार सबसे पहले मैं बात करूँगा आखिर खुशी क्या है, सुख क्या है. तो सुख और खुशी हमने हर हम लोग उसके लिए दिन और रात मेहनत करते हैं कि यार एक बड़ा सा बंगला बना लूँ, एक गाड़ी ले लूँ, बहुत सारा बैंक बैलेंस कर लूँ तो आई विल बी सो मच हैप्पी, मतलब बहुत मैं खुश रहूँगा, बहुत सुखी रहूँगा वो. और फिर वो लेने के बाद भी फिर यार मतलब अंदर से मन करता है कि यार और होना चाहिए और हो, तो मन तो कभी ख़त्म नहीं होता, मन की तो कभी वो चीज़ हो ही नहीं सकती है. तो लाइफ का एग्जैक्ट सुख क्या है, कि एग्जैक्ट सुख एग्जैक्ट खुशी क्या है, और हम उसको कैसे पा सकते हैं, कैसे अपने अंदर ला सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, आज उसी चीज़ को लेकर आज हम बात करेंगे. तो सबसे पहली चीज़ जो है खुश रहने की, सुखी रहने की, जो हमने बात की है कि यार सबसे हमने लाइफ में सब कुछ ले लिया, सब कुछ कमा लिया, सब कुछ हमारे पास है, फिर भी हम खुश नहीं हैं, फिर भी हम सुखी नहीं हैं. क्यों? क्योंकि हमारे अंदर चाह है, हम और चाहते हैं, कुछ मिलने के बाद भी हमें और चाहिए, वी आर नॉट सेटिस्फाइड. तो सबसे पहले क्या है, हमें सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, वी हैव टू बी सेटिस्फाइड. हमें अपने अंदर सेटिस्फेक्शन लाना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी आदमी हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी औरत हो, किसी भी मज़हब का औरत हो, किसी भी कास्ट क्रीड कम्युनिटी कहीं से भी हो, उसे अपने अंदर सबसे पहले अपने अंदर ये बिलीव करना पड़ेगा, अपने अंदर सबसे पहले ये लाना पड़ेगा कि यार मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं अपनी कंडीशन से, मेरी जैसी कंडीशन है मुझे उसमें अपना सेटिस्फाइड रहना है, मुझे उसको अपग्रेड करना है. कोई बेचारा गरीब है उसको मैं ये कहूँगा, ये नहीं कहूँगा कि यार वो अपने आप को वो कर मतलब ये बोले कि हाँ मैं तो खुश हूँ या वो हूँ. वो अपने आप को अपग्रेड करे, उसके लिए मेहनत करे, मेहनत करने में कोई मना नहीं है, काम करो, मेहनत करो, अपने आप को अपग्रेड करो, लेकिन एक पॉइंट पे आके यू हैव टू बी सेटिस्फाइड इन योर लाइफ. आपको अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड होना पड़ता है, क्योंकि आपको हर चीज़ आपकी लाइफ में नहीं मिल सकती. नो वन इज़ कम्प्लीट, कोई भी कम्प्लीट नहीं है. सबसे पहले तो आपको ये चीज़ जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, चाहे वो कितने भी बड़े टाटा बिरला अंबानी कोई भी इंसान हो, कोई भी हो, नो वन इज़ कम्प्लीट, कोई कम्प्लीट नहीं है, सबके पास सब कुछ नहीं होता ना हो सकता है, ऐसा नहीं है. लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैप्स खाली रह ही जाएंगे, तो वो चीज़ आप कभी लाइफ में फिल नहीं कर सकते हो. तो यार उस चीज़ को लेके आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आपको अपने आप अंदर से सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है. सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा की है आपके खुश रहने के लिए, आपको अंदर से खुशी बनाने के लिए आपको सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है. सेकेंड थिंग हम बात करेंगे एक्सपेक्टेशंस. आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, किससे? आपके आसपास के लोगों से. मतलब एक्सपेक्टेशंस मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल अपना ख़त्म कर दो, बिल्कुल वो कर दो, ऐसा नहीं कहूँगा, बट हाँ ये ज़रूर कहूँगा एक्सपेक्टेशंस बहुत लिमिटेड रखो, बहुत कम रखो, कि यार मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, मुझे पता है कि यार इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट करूँगा, और ये बंदा अगर मुझे 1% डिच कर गया, या इसने मेरा साथ नहीं दिया, या जो मैंने इससे एक्सपेक्ट किया है वो नहीं हुआ, तो अपने आप को दुखी बनाना है, अपने आप को आप मतलब दुखी करेंगे उस सिचुएशन में, अपने आप को वो करेंगे कि यार मैंने इस पर इतना ट्रस्ट किया, इतना मैंने इस पर विश्वास किया, और इस बंदे ने मेरे को डिच कर दिया, इस बंदे ने मेरा साथ नहीं दिया, या इस बंदे ने मेरे को जो प्रॉमिस किया था अपना प्रॉमिस तोड़ दिया. तो ये जो लड़ाई है आपकी दूसरे इंसान से नहीं है, आपकी जो लड़ाई अपने आप से है. तो आपको एक्सपेक्टेशंस और लोगों से बहुत लिमिटेड रखनी है, बहुत कम एक्सपेक्टेशंस रखनी है, क्योंकि जो दुख आपको देता है, जो आपको तकलीफ होती है, वो आपकी एक्सपेक्टेशंस देती हैं जो आप और लोगों से रखते हो. ठीक है, और खुश रहने का मैं आपको मंत्र जो बताऊंगा, दो बता चुका हूँ, जो कि सेटिस्फेक्शन है, आपको सेटिस्फाइड रहना है, एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं रखनी है. और तीसरी चीज़ है कि आपको जो खुश रहना है, आप बाहर की सुंदरता, बाहर की वो देख के खुश तो होते ही होते हैं, लेकिन आपको अपने अंदर की सुंदरता, आपको अपने अंदर से खुशी देखनी है. आपको अपने अंदर से यू हैव टू फील, आपको अपने अंदर से सोचना है, अपने अंदर से अपने आप में झांकना है, आपको देखना है कि यार
मैं जैसा हूँ मैं उसमें हैप्पी हूँ, मैं उसमें खुश हूँ, मुझे जैसा ऊपर वाले ने बनाया, जैसा मुझे कुदरत ने जो दिया है, मैं उसमें यार बहुत खुश हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ। अपने अंदर से आपको देखना, आपको दूसरे को देख के अपने से कंपेयर नहीं करना है, कंपैरिजन करना बिल्कुल छोड़ दीजिए, अपने आप में दूसरे लोगों में बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। आपको खुश रहने का सबसे बड़ा मंत्र है, आपको जैसा भी कलर दिया है भगवान ने, डार्क स्किन टोन है आपका, लाइट स्किन टोन है, ब्राइट स्किन टोन है, या आपके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, फीचर्स बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, या कुछ भी चीज़ है, आपको उसमें यार अपने अंदर से आपको अपने आप को कोसना नहीं है, ऊपर वाले को किसी को भी उसमें आपको दोष नहीं देना है, किसी को गिल्ट फील नहीं कराना है, आपको अपने आप को उस चीज़ में सोचना है कि यार मैं जैसा हूँ जो हूँ उसे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस इज़ द थर्ड थिंग टू बी हैप्पी। अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए, चीज़ों को मानिए, मंजूरी उनको देखिए, जानिए, ये बहुत ज़रूरी है आपको खुश रहने के लिए। एक्सेप्टेंस बहुत होना ज़रूरी है, आपको एक्सेप्ट करना है जो चीज़ हो रही है, जो चीज़ चल रही है, आपको उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा चल रहा है, उससे भागिए मत, उससे डरिए मत। खुश रहने का सबसे बड़ा मंत्र है कि आप जैसे हैं अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, जो आपके आसपास के लोग हैं उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। नो वन इज़ परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमियाँ हैं, तो उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप को वैसे एक्सेप्ट कीजिए, बहुत खुश रहेंगे, बहुत आगे जाएंगे अपनी लाइफ में। तो दोस्तों हमने भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए, हाउ टू बी हैप्पी, अपनी लाइफ में कैसे खुश रह सकते हैं, आप कैसे खुश अपने आप को रख सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और सबसे मेन जो चीज़ है वो खुशी कहीं बाहर से नहीं आती है, वो खुशी अपने अंदर होती है। आप किसी एक बच्चे को स्माइल करते हुए देखेंगे तो आपके चेहरे पे स्माइल आ सकती है, तो आप खुशी हो सकते हैं, अपने सारे जो आपको टेंशन है, जो भी आपको कोई दुख दर्द तकलीफ है, वो सब मिट सकती है। तो खुशी कहाँ है? खुशी सिर्फ आपके देखने के नज़रिए में, आपके अंदर है। आप खुश हैं, आप दिल से हैप्पी हैं, तो आप सेटिस्फाइड हैं, आप अपने अंदर से, चाहे कोई दुनिया वाले कुछ भी बोलें कि इस पे ये है या ये नहीं है, इस पे गाड़ी है, बंगला है, नहीं है, वो कुछ मैटर नहीं करता है आपके लिए, कोई मैटर नहीं करेगा। आप अंदर से खुश हैं, आप अंदर से सेटिस्फाइड हैं कि यार मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हूँ, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए मैटर करता है, चाहे दूसरों के लिए करें ना करें, बट आपके लिए मैटर करता है। तो जो खुशी है वो आपको लोगों के व्यवहार से, लोगों के बिहेवियर से, लोगों की बातों से कहीं से नहीं मिलेगी। जो खुशी मिलेगी वो आपको अपने अंदर ही मिलेगी, आपको उसे कहीं बाहर नहीं ढूंढना है। खुशी बहुत छोटी छोटी चीज़ों में मिल जाएगी, और कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को पाके भी खुशी नहीं मिलेगी। तो ये सिर्फ अपना नज़रिया है, खुशी कहीं नहीं है, खुशी सिर्फ अपने अंदर है। तो सबसे मेन मैसेज जो था मेरा यही था कि खुशी आपको कहीं नहीं ढूंढनी है, द हैप्पीनेस इज़ इन विद इन यू। तो आपको अपने अंदर ही खुशी देखनी है, अपने अंदर ही खुशी है। और जैसा मैंने बताया, सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फाइड रहिए, एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट कीजिए, और थर्ड चीज़ एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, लोगों से बहुत लिमिटेड रखिए। तीन मंत्र हैं, बहुत लाइफ में खुश रहेंगे, बहुत आगे तक आपको ये लाइफ में हेल्प करेंगे। और इसी ब्लॉग के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेता हूँ। टिल देन, दिस साइड डेली हाइट हिमांशु जैन साइनिंग ऑफ। टेक केयर ऑल ऑफ यू, ऑल माई व्यूअर्स, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक